नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 में यूपी का दम नजर आएगा। 80 लोकसभा वाले इस प्रदेश में राहुल की 20 से 25 दिन यात्रा निकालने की प्लानिंग है। सिर्फ यही नहीं, प्रियंका के अलावा उनके साथ विपक्ष के बड़े चेहरे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव भी नजर आ सकते हैं। यात्रा में ज़्यादातर फोकस पश्चिमी यूपी पर रहेगा। इसके जरिए कांग्रेस लोकसभा की 27 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। दरअसल राहुल 15 अगस्त से भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत गुजरात के पोरबंदर, जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, से होगी। समापन नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होगा। भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट फेज में राहुल ने करीब 4000 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई, लेकिन 136 दिन की राहुल की इस यात्रा में यूपी की हिस्सेदारी महज 2-3 दिन की रही। राहुल 120 किलोमीटर पैदल चले। गाजियाबाद से प्रवेश करते हुए शामली बागपत होते हुए हरियाणा चले गए। तब सवाल उठे थे कि आखिर इतने बड़े यूपी में 2 दिन ही क्यों। कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया था कि इसकी कसर अगली भारत जोड़ो यात्रा 2 में पूरी की जाएगी। यही वजह है कि सेकेंड फेज में कांग्रेस यूपी को सबसे ज़्यादा वक्त देने की तैयारी में है। यूपी में इस बार प्रियंका गांधी यात्रा से ज़्यादा जनसभाओं पर जोर देगी, यानी सीधे पब्लिक कनेक्ट पर फोकस रहेगा। इसकी शुरुआत वह मध्य प्रदेश से कर भी चुकी हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।